नमस्कार, गुड इवनिंग। क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? नमस्कार, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, वी कैन हियर यू। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। ओके, सो वेलकम। एक और सेशन आज डॉक्टर उदेशा और पूरी साई करुणा मिशन टीम की ओर से मैं आपका स्वागत करता हूं आज के सेशन में। मेरी तरफ से कुछ टेक्निकल लैग चल रहा है, अगर आप लोग मुझे क्लियरली सुन देख पा रहे हैं तो प्लीज चैट बॉक्स में लिख के बताइए, क्योंकि मेरे एंड पे मुझे कुछ लैग दिखाई दे रहा है। कैन यू हियर मी? ओके, स्मूथ चल रही है वीडियो, अटक तो नहीं रही है? ऑडियो वीडियो बहुत परफेक्ट। ओके, थैंक यू दीपा जी। ऑल राइट, ओके, मेरे एंड पे अटक रही है, आई थिंक मेरे एंड पे कोई इश्यू होगा। संध्या आंटी की स्माइल दिख रही है मुझे। ओके, मिताली मैम भी हैं, राइट, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट नाउ। ऑडियो वीडियो बहुत परफेक्ट। ओके, ऑल राइट, मेरे एंड पे शायद एरर आ रहा है, नेटवर्क बैंडविड्थ इज लो। जस्ट गिव मी वन मोर मिनट प्लीज, मैं एक बार इसको थोड़ा इम्प्रूव करने की कोशिश करता हूँ, जिससे बीच सेशन में ना अटके। ओके, कैन यू स्टिल हियर मी? ओके, ऑल राइट, ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट। ऐसे ही स्टार्ट करते हैं, फिर अगर कोई इश्यू आता है बीच में तो प्लीज मुझे टेक्स्ट करके चैट बॉक्स पे बताइएगा। सो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, व्हाट एवर हैपेंस इज जस्टिस। ओके, तो यानी हमारे जीवन में जो भी हो रहा है वो किसी ना किसी फॉर्म में, किसी ना किसी तरीके से प्रभु का, ईश्वर का, अल्लाह का, भगवान का न्याय है। अभी हमने वो गाना सुना, जितनी देर हमने वेट किया, अल्लाह के बंदे हंसदे, जो भी हो कल फिर आएगा। तो ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं हमारी लाइफ में जब हमको झटके लगते हैं, है ना। हम सबके साथ हुआ है, कभी फिजिकल फॉर्म में लगते हैं, कभी फाइनेंशियल फॉर्म में लगते हैं, इमोशनल फ्रंट पे लगते हैं, हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं हमारे को, हमारे फैमिली मेंबर्स को, रिलेटिव्स को, फाइनेंशियल लॉसेस हो जाते हैं, बिजनेस लॉसेस हो जाते हैं, अलग अलग प्रकार के एक्सपीरियंसेस यूनिवर्स हमको देता रहता है कभी, और किसी ना किसी को उसका जरिया बनाता रहता है। कभी हमारे बिजनेस पार्टनर्स हमारे राइवल्स बन जाते हैं, कभी हमारे फैमिली मेंबर्स हमारे खिलाफ हो जाते हैं। कोई ना कोई एक्सपीरियंस देने का जरिया हमारे जीवन में बनता रहता है। और जितने भी स्पिरिचुअल लोग हैं सर, हमें रिपीटेडली बताते रहते हैं कि हमारे को दो चीजों पे फोकस करना है, एक तो कंपैशन के ऊपर और एक डिटैचमेंट के ऊपर। तो कंपैशनेटली हमको सब चीज को एक्सेप्ट करते चलना है, 100% एक्सेप्टेंस के साथ, और डिटैचमेंट के साथ हमको आगे बढ़ते जाना है। तो जो रूठ रहा है उसे रूठने दीजिए, जो छूट रहा है उसे छूटने दीजिए, और आगे बढ़ते जाइए। बस केवल करुणा भाव और कंपैशन रखना है सबके लिए, किसी के खिलाफ हेट, किसी के खिलाफ रंजिश, इस तरह की चीज हमको नहीं रखनी है। सो बस यही आज का सारांश है। हम अब मेडिटेशन कर सकते हैं, मेडिटेशन के लिए हम तैयार हैं, सीधे मेडिटेशन करेंगे। और कोई भी इनिशियल मेडिटेशन नहीं करेंगे, मेन मेडिटेशन करेंगे। आपकी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं उसी चीज को कि लाइफ हमारी क्या है, हमारा जीवन क्या है। हमने
जिस तरह से अपनी लाइफ को समझा है, उसे परिभाषित किया है, उसके मतलब को समझने की कोशिश की है, उसको एक ग्राफिक फॉर्म में आपके स्क्रीन पे दिखाया हुआ है। जैसे हमारे कुछ गोल्स हैं, कहीं हमारी स्ट्रैटेजी है, कहीं हमारी प्लानिंग है, कहीं कॉम्पिटिशन है, यही है हम सबकी लाइफ इन अ वे, करेक्ट? आई थिंक ओनली संध्या मैम इज अग्रीइंग विद मी, बाकी कोई सर नहीं हिला रहा। ओके, अब करना क्या है आज के मेडिटेशन में, कि जो भी चीज हमारे साथ हो रही है उसे प्रभु का न्याय समझना है, इट इज द कॉस्मिक जस्टिस, और उसमें वट एवर हैपन्स इज जस्टिस। जो भी होता है, अगर आपको कुछ मिलता है, कुछ छूटता है, अगर आपका नुकसान होता है, अगर आपका फायदा होता है, सब प्रभु का न्याय है, और हमें उसको, उनके जजमेंट को, उसके कमांड को, ईश्वर के निर्णय को एज इट इज एक्सेप्ट करना है। तो जैसे आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, अपने प्लान को, अभी तक हम हमेशा अपने प्लान से चलते हैं लाइफ में, हमको ये करना है, हमको ये अचीव करना है, इस एज तक हमको जॉब करना है, इस एज तक हमको शादी करनी है, हमारे प्लान्स ही आज तक चलते आए हैं, और इसीलिए हम अपने प्लान्स की वजह से ही हमेशा परेशान होते रहे, कंफ्यूज होते रहे, राइट? तो आज हम ये निर्णय ले रहे हैं कि हम ऊपर वाले के प्लान को, ऊपर वाले के निर्णय को, ऊपर वाले के न्याय को पूरी तरह से स्वीकार रहे हैं, और अपने प्लान को कैंसिल कर रहे हैं और गॉड्स प्लान को अडॉप्ट कर रहे हैं। तो क्या आप सब लोग तैयार हैं इसके लिए? क्या आप सहमत हैं गॉड्स प्लान को एक्सेप्ट करने के लिए? 100% कविता मैम ने दोनों अंगूठे आगे कर दिए, सो आई थिंक शी इज एब्सोल्युटली रेडी। ओके, करना क्या है आज की मेडिटेशन में, जो कि हमें हमेशा अपने जीवन में करना है। सिर्फ आज के ध्यान में वही प्रोसेस है जो हमारे जीवन का प्रोसेस है, कि अपनी गलतियों से सीखना है, अपनी मिस्टेक से सीखना है, और हमें फॉरगिव करना है और फॉरगेट करना है। तो फॉरगिवनेस तो हम लोग हर बार करते हैं, होपोनोपो करते हैं, आई फॉरगिव यू, आई लव यू, आज एक स्टेप और जाने की आगे कोशिश करते हैं, फॉरगेट भी कर देते हैं, यानी कि हमें याद भी नहीं कि किसने हमारे साथ बुरा किया और किसने हमारे साथ अच्छा किया। क्योंकि अगर हम अच्छे को पकड़ के भी रखते हैं, जैसे सर बार बार बोलते हैं, अच्छे को पकड़ के रखते हैं तो भी अटैचमेंट होता है, और बुरे को पकड़ के रखते हैं तो भी अटैचमेंट होता है। बस यही आज करेंगे, ऑलराइट? सो सिंपल सा मेडिटेशन है, जब करेंगे तो हो सकता है थोड़ा इंटेंस लगे, तो आप सबको मजा आएगा। और वृंदावन रिट्रीट अनाउंस हो चुकी है, जो आपके स्क्रीन पे सारी डिटेल्स हैं, सो जो जिन जिन लोगों ने वृंदावन के लिए अभी तक बुक नहीं किया है, फटाफट बुक कर लीजिए, क्योंकि हम सब लोग तो डेफिनेटली वृंदावन आने ही वाले हैं। और आप सबने जिस जिसने एक्सपीरियंस किया है वृंदावन, यू नो वृंदावन की एनर्जी अमेजिंग है, और इस बार भी दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बेसिक रिट्रीट, एडवांस रिट्रीट, PLR थेरेपिस्ट रिट्रीट। सो जिन लोगों ने अभी तक PLR थेरेपिस्ट रिट्रीट नहीं की है अटेंड, वो अटेंड कर सकते हैं। और 19th से 23rd मई तक वृंदावन रिट्रीट होगी, सो प्लीज बुक योर स्लॉट्स। आप फोन कर सकते हैं दिए गए नंबर पर, सौम्या मैम को, मेहुल सर को, किसी और भी किसी SKM टीम मेंबर को। सो लेट अस स्टार्ट नाउ विद द मेडिटेशन। बहुत सिंपल है कॉन्सेप्ट, सिंगल लाइन में सिर्फ जो भी हो रहा है बस उसको एक्सेप्ट करना है, राइट? ओके, सो लेट अस स्टार्ट। अपनी आंखें बंद कर लीजिए, एक कंफर्टेबल पोजीशन ले लीजिए, ध्यान को सांसों की ओर ले आइए।
Bring your awareness to your breath. अपने ध्यान को अपने सांसों पर ही केंद्रित रखना है। हमेशा की तरह रिपीट करूंगा कि हमारी सांसों के थ्रू, सांसों के जरिए, सांसों के रास्ते, सांसों के माध्यम से ही हम अपने अनाहत चक्र, अपने हार्ट सेंटर तक पहुंचते हैं और अपने हार्ट सेंटर या अपने अनाहत चक्र के जरिए ही हम अपने आत्मा तक पहुंचते हैं। आज के ध्यान में, आज के मेडिटेशन में प्रभु के न्याय को पूरी तरह से एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ एक चीज और करेंगे। आज हम ये संकल्प करेंगे कि हमारे जीवन में जो भी होगा उसको एक्सेप्ट करने के साथ साथ हम हमेशा 24/7 अपने हार्ट चक्र को ओपन रखेंगे। नॉर्मली जब हमें कोई हर्ट करता है, जब हमें कोई पिंच करता है, तो हम अपने हार्ट को क्लोज कर देते हैं, बंद कर देते हैं। पर आज हम ऐसा नहीं करेंगे, आज हम अपने हार्ट को हमेशा ओपन रखेंगे। रेडी? सो ध्यान को फिर से सांसों पर ले जाते हुए खुद को और भी ज्यादा गहराई में उतरने दीजिए, और भी ज्यादा गहराई। अपने दिल में, अपने अनाहत चक्र में, अपने हार्ट सेंटर पे अपने ध्यान को फोकस करिए। अपनी आत्मा से मिलन कीजिए। तो ही जो आप वास्तव में अपनी आत्मा को महसूस करना है। केवल ऑब्जर्व करते हुए, नो जजमेंट, no likes and dislikes, no right and wrong, ना किसी चीज को परिभाषित करने की आवश्यकता है, ना ही किसी चीज का विश्लेषण करने की आवश्यकता है। बस जो हो रहा है उसको ऑब्जर्व करना है, विटनेस करना है, चाहे वो हमारे भीतर हो रहा हो हमारी सांसों में, हमारे गहरे होते हुए शरीर में, रिलैक्स होती हुई मसल्स में, समाप्त होते हुए विचारों में,
और शिथिल होते हुए मन में इस अनुभूति का एहसास। अपने गुरुओं को याद करेंगे, उनका आवाहन करेंगे, भगवान का, इष्ट का, ईश्वर का, परमात्मा का, सबका आवाहन करेंगे। अपने क्राउन चक्र पर, अपने सहस्रार चक्र पर अपने ध्यान को केंद्रित कीजिए। और वहां से एक सुंदर, खूबसूरत, गहरी सफेद दिव्य ऊर्जा को अपने शरीर में प्रवेश होता हुआ महसूस कीजिए। सुंदर दिव्य सफेद ऊर्जा आपके चक्रों को भेदती हुई सहस्रार फिराग्नि शुद्धि और आपके हार्ट सेंटर तक जाती हुई आपके हार्ट सेंटर को, आपके अनाहत चक्र को पूरी तरह से एक्सपैंड करती हुई देखिए कैसे ये दिव्य ऊर्जा ऊपर से आती हुई आपके अनाहत चक्र तक जाती हुई उसको कितना विस्तृत कर रही है, उसको एनर्जाइज कर रही है, उसकी गति को बैलेंस कर रही है, अपने भीतर उस प्रेम को, उस करुणा भाव को बढ़ता हुआ महसूस कर सकते हैं। आज अपने अनाहत चक्र को पूरी तरह से खुलने दीजिए। अगर कहीं भी कोई ब्लॉकेज है, रुकावट है, तनाव है तो इस दिव्य ऊर्जा में उसे बह जाने दीजिए। अगर आपके दिल में कोई दर्द है, कोई शिकवा है, कोई शिकायत है किसी ने आपका दिल दुखाया हो किसी ने आपको पीड़ा दी हो किसी ने आपको परेशान किया हो आपका हक छीन लिया हो आपको अपशब्द कहे हो आपको नीचा दिखाया हो उस सबको आज जाने दीजिए। इस दिव्य ऊर्जा में आज केवल उसको फॉरगिव ही नहीं करेंगे बल्कि फॉरगेट भी करेंगे, भुला देंगे हमेशा के लिए।
I am sorry. Please forgive me. I love you. And I thank you. I am sorry. Please forgive me. I love you. And I thank you. I am really, really sorry. Please forgive me. I love you. And I thank you. मैं समझ चुका हूँ कि जो भी मेरे साथ हुआ उसमें आप केवल एक किरदार थे। वास्तव में ये ईश्वर का न्याय था, ईश्वर का जस्टिस था। और आपके जरिए मुझे वो न्याय मिला, न्याय प्राप्त हुआ। जो भी हुआ उसे ईश्वर का न्याय मानकर मैं स्वीकार करती हूं। मैं स्वीकार करता हूं। मेरे साथ साथ आपकी मन की गहराई से बोलिए, वट एवर हैपन्स इज जस्टिस, वट एवर हैपन्स इज जस्टिस, वट एवर हैपन्स इज जस्टिस। मैं आज इस क्षण इस समय पूरी तरह से उस घटना को, उस व्यक्ति को, उन परिस्थितियों को, उस दर्द को, उस नुकसान को, उस पीड़ा को स्वीकार करता हूं, स्वीकार करती, क्योंकि इसमें भी प्रभु का न्याय है। मुझे नहीं पता कि इसके पीछे प्रभु का मकसद क्या है। मुझे सिर्फ इतना पता है कि हर ऐसे एक्सपीरियंस से मेरी आत्मा का विकास हो रहा है, मेरी सोल का एवोल्यूशन हो रहा है। आपके माध्यम से, आपके जरिए मुझे ये एक्सपीरियंस मिला जिससे मेरी आत्मा का विकास हुआ। मैं इसे स्वीकार करती हूं। मैं इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं। आई एम कंप्लीटली इन एक्सेप्टेंस। इतने दुख के बाद, दर्द के बाद, पीड़ा के बाद इन सब के बाद भी मेरा हृदय, मेरा हार्ट सेंटर 24/7 खुला है और खुला रहेगा। उस व्यक्ति के लिए भी जिसने पीड़ा दी, उस व्यक्ति के लिए भी जिसने सुख दिया, उस परिस्थिति के लिए भी जिसने खुशियां दी,
और उस परिस्थिति के लिए भी जिसने कठिनाइयां दी, दुख दिए, दर्द दिए। मेरा अनाहत चक्र अब हमेशा सदैव दिन रात खुला है, बिकॉज आई एम इन कंप्लीट एक्सेप्टेंस। अपने मन की आंखों में फिर से मेरे साथ दोहराइए, व्हाटएवर हैपेंस इज जस्टिस, व्हाटएवर हैपेंस इज जस्टिस, व्हाटएवर हैपेंस इज जस्टिस। आज मैं समझ चुकी हूं कि प्रभु का मकसद केवल मेरी आत्मा का विकास है और उसके न्याय को, जो कि पहले मुझे अन्याय लगा, मैं आज पूरी तरह से स्वीकार रही हूं। प्रभु के प्लान को, भगवान के प्लान को मैं पूरी तरह से एक्सेप्ट कर चुकी हूं, एक्सेप्ट कर चुका हूं। अपने रास्ते को छोड़कर अब मैं भगवान के रास्ते पर, भगवान के निर्धारित मार्ग पर चलने को पूरी तरह से तैयार। जो भी यूनिवर्स ने किया है मेरे बेस्ट के लिए किया है, इट इज फॉर माय ओन बेस्ट, फॉर माय ओन गुड। यही ईश्वर का न्याय है। मेरे साथ एक बार फिर उन परिस्थितियों को, उन व्यक्तियों को, उन वाक्यों को याद कीजिए जहां हमें पीड़ा, दुख, दर्द मिले। एक बार फिर से उन सबको रिव्यू करेंगे और इस नई चेतना के साथ, नई सोच के साथ उनको एक नई नजर से देखेंगे और उनके साथ क्षमा याचना करेंगे। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड आई थैंक यू। उन व्यक्तियों से कहिए जिन्होंने आपको पीड़ा दी, दर्द दिए, क्योंकि उन्होंने आपकी आत्मा को आगे बढ़ाने में, इवॉल्व होने में आपकी मदद की। आपने उनके खिलाफ घृणा रखी, द्वेष की भावना रखी, इसलिए आज हम उनको भी क्षमा करते हैं और उनसे क्षमा भी मांगते हैं। I am sorry. Please forgive me. I love you and I thank you. I am sorry. Please forgive me. I love you and I thank you. I am sorry. Please forgive me. I love you and I thank you. सारे हीलर्स दिव्य सिंबल्स का प्रयोग करेंगे उन वाक्यों को, उन व्यक्तियों को, उन यादों को, सबको हील करेंगे। अपने अनाहत चक्र को खुलता हुआ महसूस कर सकते हैं।
जैसे जैसे हम लोगों को क्षमा करते हैं, हमारा अनाहत चक्र और भी ज्यादा विस्तृत हो जाता है, खुल जाता है, बढ़ जाता है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, सुपर। बस क्षमा करते चलना है, उन यादों का अब कोई महत्व नहीं बचा है, उनको छोड़ सकते हैं। जो सबक उनसे सीखना था वह अब हम सीख चुके हैं। हम पूरी तरह से एक्सेप्टेंस में हैं, हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। अपनी मन की आंखों में मेरे साथ फिर से दोहराइए, व्हाटएवर हैपेंस इज जस्टिस, व्हाटएवर हैपेंस इज जस्टिस, व्हाटएवर हैपेंस इज जस्टिस। जो भी हुआ प्रभु की इच्छा से हुआ, जो भी हो रहा है प्रभु की इच्छा से ही हो रहा है, और जो भी होगा वो भी प्रभु की इच्छा से ही होगा। इस सत्य को आज मैं पूरी तरह से एक्सेप्ट कर रही हूं, एक्सेप्ट कर रहा हूं। आज के बाद मैं भगवान के प्लान से चलूंगी। सब लॉजिक को मैं छोड़ रही हूं, सब स्ट्रैटेजी को, प्लानिंग को, इन सब व्यर्थ चीजों को छोड़कर आज केवल अपने दिल की सुन रही हूं, और आज से केवल अपने दिल की ही सुनूंगी। No more logic, only love, only compassion, only acceptance, only surrender. खुलने दीजिए अपने अनाहत चक्र को, अपनी आत्मा से अपने इस मिलन को और भी सुखद होने दीजिए। पूरी तरह से अपने अनाहत चक्र को आज एक्सपैंड होने दीजिए, पूरी तरह से विस्तृत। आज आपके भीतर उन सब के लिए प्रेम है जिन्होंने आपको दुख दिए, दर्द दिए, नुकसान दिए, जिन्होंने आपको झूठ बोला, चीट किया। आज आप उन सबको एक्सेप्ट कर रहे हैं। इसके पीछे कोई मतलब नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। इसके पीछे केवल एक्सेप्टेंस है। प्रभु के न्याय में आस्था, प्रभु के न्याय में विश्वास, प्रभु के न्याय को स्वीकार करना। Whatever happens is justice. Whatever happens is justice. Whatever happens is justice. मैं एक संकल्प लेती हूं, संकल्प लेता हूं कि आज के बाद भी सारे एक्सपीरियंसेस को पूरी तरह से एक्सेप्ट करूंगी, करूंगा। हमेशा एक्सेप्टेंस में, सरेंडर में रहूंगा।
अगर मेरा दिमाग मेरा लॉजिक इंटरफियर करेगा तो उसे इंटरफियर नहीं करने दूंगा, उसे इजाजत नहीं दूंगा, केवल अपने दिल की सुनूंगा, दिल की सुनूंगी। हमेशा हमेशा के लिए अब मेरा अनाहत चक्र, मेरा हार्ट सेंटर खुल चुका है। 2400 घंटे सातों दिन, दिन में रात में, गर्मी में सर्दी में, धूप में छांव में, अकेले में या लोगों के साथ में, हमेशा मेरा अनाहत चक्र खुला है और खुला ही रहेगा। माय हार्ट सेंटर इज ओपन 24/7। अपनी मन की आंखों में देखिए कि अपने आने वाले कल में, अपने भविष्य में आप सारे पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस को एक्सेप्ट कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, उन पॉजिटिव लोगों को स्वीकार कर रहे हैं। अपने जीवन में आने वाले बदलावों को स्वीकार कर रहे हैं। और उसके साथ साथ दुख को, दर्द को भी स्वीकार कर रहे हैं। लोगों की निंदा को भी स्वीकार कर रहे हैं। पीड़ा को स्वीकार कर रहे हैं। बीमारी को स्वीकार कर रहे हैं। नुकसान को स्वीकार कर रहे हैं। क्योंकि ये जीवन के केवल सीजन्स हैं, इसके बाद फिर एक सीजन आएगा, हंसी का, खुशी का, प्रेम का। पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस का, मुनाफों का। हम सबको एक ही समान स्वीकार कर रहे हैं। बिना दिमाग लगाए, बिना लॉजिक लगाए, बस कंप्लीट एक्सेप्टेंस में। क्योंकि ये केवल अनुभव हैं और हमारी आत्मा ये सारे अनुभव लेने आई है, अपने विकास के लिए, अपने एवोल्यूशन के लिए। और हम अब इन सारे अनुभवों को अपने दिल की गहराई से स्वीकार कर रहे हैं। सारे सिंबल्स को अपने अनाहत चक्र पर आता देखिए, अपने अनाहत चक्र को पूरी तरह से खुलने दीजिए। जो भी बची कुची बेड़ियां हैं उन्हें आज टूट जाने दीजिए। अपने प्रेम में, अपनी करुणा में पूरे ब्रह्मांड को समाने दीजिए। अपने अनाहत चक्र को पूरी तरह से विस्तृत हो जाने दीजिए।
जैसे कि आप महसूस कर सकते हैं कि आपके अनाहत चक्र से निकलता हुआ प्रेम करुणा ब्रह्मांड में हर एक व्यक्ति, हर एक वस्तु, हर एक कोने में फैल रही है। जैसे आप केवल प्रेम हैं, केवल करुणा है, केवल रोशनी है। इस एहसास को महसूस कीजिए। आई एम ओनली लव एंड लाइट, आई एम ओनली लव एंड लाइट, आई एम ओनली लव एंड लाइट। धीरे धीरे हम वापस लौटेंगे, लेकिन लौटने से पहले एक अंतिम बार अपने आप से ये संकल्प करना है कि आज के बाद हर एक परिस्थिति में 2400 घंटे सातों दिन हमारा अनाहत चक्र सबके लिए खुला रहेगा, सबके लिए ओपन रहेगा। संकल्प के साथ अपने ध्यान को अपने अनाहत चक्र पर लाइए, अपने गुरुओं का, भगवान का, ईश्वर का, इष्ट का, उस दिव्य प्रकाश का धन्यवाद कीजिए। एक कृतज्ञता की भावना के साथ, ग्रैटिट्यूड की फीलिंग के साथ अपने ध्यान को धीरे से अपने शरीर पर लाइए। हाथों की, पैरों की उंगलियों को चलाते हुए पूरी तरह से शरीर में लौटते हुए मन में करुणा के भाव को, प्रेम के भाव को और विस्तृत करते हुए जब भी आपको लगे कि आप पूरी तरह से लौट चुके हैं, धीरे से अपनी आंखें खोल लीजिए। So thank you so much. Welcome back, Dr. Odisha और पूरी साई करुणा मिशन टीम की ओर से मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ, सबको थैंक्स बोलता हूँ आज फिर एक बार हमारे साथ जुड़ने के लिए। सारे पार्टिसिपेंट्स का तहे दिल से शुक्रिया, थैंक यू, ग्रैटिट्यूड, और सी यू नेक्स्ट वीक। कीप स्माइलिंग एंड हैव अ नाइस डे।